उन बच्चों को सफाई का ज्ञान दिया जाए, स्वच्छता का कैंपेन करें। माँ, ये स्वच्छता क्या होती है? स्वच्छता है जीने का सलीका, स्वच्छता है सेहत की राह, स्वच्छता है हम सब की चाह। स्वच्छता यानी साफ सफाई। गुड़िया, बात समझ में आई? माँ, साफ सफाई तो मैं जानती हूँ, दांत साफ करना, अच्छी तरह नहाना, धुले कपड़े पहनना, खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोना और नाखून काटना, ये सब तो मैं भी करती हूँ, इससे देश स्वच्छ बन जाएगा। गुड़िया, ये सब है व्यक्तिगत स्वच्छता, पर इसके बाद घर की सफाई की बारी आती है। पर माँ, घर की साफ सफाई तो आप करती हैं। घर गंदा ना करना भी है सफाई में मदद पहुँचाना। अपनी किताबें, जूते और जुराबे, खिलौने रखो सही जगह पर और कचरा ना डालो इधर उधर। हाँ माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। शाबाश। माँ, इससे देश स्वच्छ होगा क्या? घर की सफाई के साथ साथ हमें अपने आसपास सड़क और बाजार की सफाई का भी ख्याल रखना होगा। चलो बाजार चलते हैं, वहाँ तुम्हें समझाती हूँ। हाँ बहन जी, क्या चाहिए? कुछ नहीं भाई। माँ, ये सब सामान तो उस दुकान में भी था। हाँ, पर वहाँ स्वच्छता नहीं थी। सामान खरीदते समय पैकेट पर सामान की कीमत, वजन और इस्तेमाल की तारीख वगैरह जरूर देखनी चाहिए। उचित मूल्य पर सही चीज खरीदना हमारा अधिकार है, पर साथ ही हमारा कर्तव्य भी है कि हम कपड़े या जूट के थैले साथ ले जाएं। भैया, आपका सामान गिर गया है। अरे, ये तो कूड़ा है। अच्छा, फिर तो भैया आप इसे कूड़ेदान में डाल दीजिए, हमें भारत को स्वच्छ बनाना है ना? देखो माँ, मैंने सभी खाली पैकेट्स को इकट्ठा कर लिया है, ये सब हम कबाड़ी को देंगे या कूड़ेदान में डालेंगे, तब तो भारत स्वच्छ बनेगा ना? हाँ गुड़िया, अगर हर उपभोक्ता कचरा फैलाना बंद कर दे तो भारत जरूर स्वच्छ बनेगा। हर जर्रा जगमग हो, रोशन कण कण, स्वच्छ हो भारत, खुशहाल हो जन जन। आइए ऐसी शपथ उठाएं, आइए देश को स्वच्छ बनाएं।